हेडिंग डालो सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या है? कि जैसे दो सेंटेंस हो या दो से अधिक सेंटेंस हो और किसी एक सेंटेंस में ब्लैंक स्पेस देख करके वर्ब की करेक्ट फॉर्म क्या आएगी ये पूछा जाए, तो उस जगह हमें सीक्वेंस ऑफ टेंस के कुछ रूल्स जो हैं उनको अप्लाई करना होता है। दोस्तों, हम कुछ जनरल ट्रिक्स देखते हैं, ऐसी ट्रिक्स जिनसे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि दो या दो से अधिक सेंटेंस हैं तो किसी सेंटेंस में अगर वर्ब पूछ ली जाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, या यूं कहें कौन से टेंस की फॉर्म या कौन से टेंस की वर्ब आएगी ये पता करना हो तो ट्रिक्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स जिनके माध्यम से हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या चार ऑप्शन बिना पढ़े भी करेक्ट फॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस सेंटेंस में वर्ब यही आएगी, इसके अलावा दूसरी नहीं आएगी। जैसे फर्स्ट ट्रिक, एक नंबर ट्रिक देखिए दोस्तों, यदि आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जिसकी स्टार्टिंग इफ से होती है और इफ के बाद एक सेंटेंस दिया गया है और उसके बाद में प्लस सेंटेंस बी दिया गया है, सेंटेंस बी से मतलब है सेंटेंस दो, सेंटेंस ए जो है और सेंटेंस बी, यदि मान लीजिए सेंटेंस ए में क्वेश्चन है और आपको यहां वर्ब कंप्लीट करनी है तो देखिए सेंटेंस बी में यदि विल वर्ड दिया हुआ हो, सेल वर्ड दिया हुआ हो, कैन वर्ड हो या मे वर्ड हो, यदि इन चारों में से कोई सा वर्ड है और आपको सेंटेंस ए में वर्ब कंप्लीट करने को कहा जाता है या वर्ब कौन सी आएगी ये पूछा जाता है, कौन से टेंस की वर्ब आना यहाँ पे करेक्ट होगा, तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखिए कि सेंटेंस जो इफ के बाद दिया हुआ है उसमें वर्ब पूछी जा रही है और सेंटेंस बी में ब्लैंक स्पेस है, तो याद रखें दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, या सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लस उसमें एस, ई एस या आई ई एस लगाइए, ठीक है। एक अब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे सेंटेंस दिया गया इफ रमन ब्लैंक स्पेस मी आई विल असिस्ट हिम, सेंटेंस कंप्लीट। अब हमें चार ऑप्शन मिलेंगे, वो चार ऑप्शन जैसे ये दिए गए कि सेंटेंस में पहला ऑप्शन है आस्क, बी ऑप्शन है आस्क्ड, सी ऑप्शन है आस्क्स, डी ऑप्शन है विल आस्क। अब इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो एक बार हमने जो ट्रिक लिखी है उसको रिवाइज कीजिए कि सेंटेंस इफ के बाद आ रहा है और एक सेंटेंस उससे आगे आ रहा है, यदि नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस बी जिसको कह रहे हैं उसमें विल, सेल, कैन, मे दिख जाए तो पहला जो सेंटेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगाइए, सेंटेंस जो इफ के तुरंत बाद आ रहा है उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस लगाना होगा, तो हमें आंसर मिलेगा सी, आंसर आएगा सी। इसी से रिलेटेड रूल नंबर टू देखिए या सेकंड पॉइंट देखिए कि इफ इफ के बाद एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस ए प्लस सेंटेंस बी, आपके बी सेंटेंस में यदि वुड, कुड, माइट इनमें से कोई भी एक मॉडल हो और सेंटेंस ए में आपको ब्लैंक स्पेस दिया जाए वर्ब के स्थान पे और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछी जाए तो आपको याद रखना है दोस्तों इस ए सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और जिस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है वो सेंटेंस पास्ट इनडेफिनिट टेंस का होता है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर इफ के बाद दो सेंटेंस हैं उनमें जो सेकंड सेंटेंस है अगर उसमें वुड दिया हुआ हो, कुड हो या माइट वर्ड हो तो जो पहला सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। उदाहरण के लिए जैसे आपने लिखा इफ यू
ब्लैंक स्पेस मी आई वुड कम देयर। अब आपको चार ऑप्शन दिए गए जिसमें पहला ऑप्शन है दोस्तों कॉल, सेकंड ऑप्शन है कॉल्ड, थर्ड ऑप्शन है जैसे कॉल्स और फोर्थ ऑप्शन जिसमें आप कह सकते हैं विल कॉल। रूल क्या बताया, अभी बताया कि इफ के बाद दो सेंटेंस हैं, अगर सेकंड सेंटेंस में वुड आ रहा है, कुड आ रहा है, माइट आ रहा है, तो आपका जो पहला सेंटेंस है उस पहले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पे आंसर के बतौर किसको टिक करना है, कॉल्ड को। तो चार ऑप्शन नहीं पढ़ने पड़ेंगे और इन रूल्स की सहायता से हम आसानी से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का सिलेक्शन कर सकते हैं। दो नंबर रूल के बाद रूल नंबर तीन देखिए या पॉइंट नंबर तीन डिस्कस करते हैं। सेंटेंस में मान लीजिए इफ दिया हुआ है और इफ के बाद एक सेंटेंस है ए और प्लस इसके बाद सेंटेंस बी दिया हुआ है, सेंटेंस बी। दोस्तों आपका जो बी सेंटेंस है, इस बी सेंटेंस में अगर आपको वुड, कुड और इसके बाद क्या दिया हुआ हो, माइट वर्ड दिया हुआ हो, इन तीनों वर्ड के बाद में अगर आपसे हैव वर्ड मिले और इस हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो ए सेंटेंस है अगर आपको इसमें प्रश्न पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। उल्टा करें कि यदि सेंटेंस ए में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो तो जो सेंटेंस बी है उसमें वुड, कुड, माइट प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम में, इफ यू ब्लैंक स्पेस हार्ड यू कुड हैव पास्ड दिस टेस्ट। ध्यान से देखिए कि हमारा जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें हमें कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो और पहला जो सेंटेंस है उसमें वर्ब के स्थान पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है, यहां हमें वर्ब सेलेक्ट करनी है। अब आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, हैव स्टेडाइड, हैज स्टेडाइड, हैड स्टेराइड और हैड बीन स्टेराइड। अधिकांश तो क्या होता है कि चार ऑप्शन एक से दिखते ही हम तुक्का मारने की कोशिश करते हैं। तुक्का नहीं मारना है, इस रूल को फॉलो करना है कि सेंटेंस सेकंड जो है उसमें कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो यहां पहले सेंटेंस में देखिए क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर तीन, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीन। अगर क्वेश्चन आपको पहले सेंटेंस में नहीं सेकेंड सेंटेंस में पूछा जाता है तो देखिए जैसे सेंटेंस ऐसे होता, इफ ही हैड, इफ ही हैड informed me, if he had informed me, I blank space छोड़ दिया और उस पर this problem। बोर्ड पे देखिए कि इफ के बाद एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें वर्ब दी हुई है, एक सेकंड सेंटेंस है उसमें वर्ब के स्थान पे ब्लैंक स्पेस है। अब अगर आपसे आंसर पूछा जाता है तो एक बार इस रूल पे जाइए और देखिए कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर ए सेंटेंस में है तो अगले सेंटेंस में वुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हम यहां पे जैसे आपको ऑप्शन दिए गए, मान लीजिए वुड हैव सॉल्वड, दूसरा ऑप्शन दिया गया वुड हैव बीन सॉल्वड या ऑप्शन दिया गया
हैड सॉल्वड और आंसर दिया गया शैल हैव सॉल्वड। देखिए पहले सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड सेंटेंस में कुड वुड माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आएगी, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा वुड हैव सॉल्वड। तीन रूल कंप्लीट, आप इन रूल्स की सहायता से आसानी से वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म या कौन सा टेंस आएगा इसका आसानी से पता लगा सकते हैं। इसके बाद में पैटर्न नंबर चार या रूल नंबर चार देखिए कि एक सिंस वर्ड है, अगर इस सिंस वर्ड के दोनों तरफ दो सेंटेंस होते हैं दाएं और बाएं तरफ, कौन से सेंटेंस में कौन सी वर्ब आएगी या वर्ब का स्थान खाली छोड़ दिया जाए, तो एक तरीका है उस तरीके से हम आसानी से कौन सी वर्ब आएगी ये पता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए सेंटेंस एक दिया सेंटेंस ए, उसके बाद में सिंस दिया गया सेंटेंस में और उसके बाद में सेंटेंस बी दिया गया सेंटेंस बी। जो ए सेंटेंस है इस सेंटेंस में हैज या हैव, हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जो सेंटेंस बी है इस सेंटेंस बी में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। फिर से सुनिए, सिंस के बाद वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और पहले सेंटेंस में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सपोज कीजिए अगर आपको सेंटेंस में या क्वेश्चन में सिंस के पहले वाले वाक्य में प्रश्न पूछ लिया गया और ब्लैंक छोड़ दिया गया, तो आपको देखना है कि सेंटेंस का जो सिंस है उसके बाद वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पहले सेंटेंस में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसका उल्टा करें, यदि सिंस के बाद वाले सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान दीजिए कि सिंस वाले पहला जो वाक्य है उस वाक्य में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आगे वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो इन दोनों को हम सिंस के बाद और सिंस के पहले, सिंस के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पहले हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंस के पहले वाले वाक्य में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बाद वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म। बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, जैसे मैनी थिंग्स हैव चेंज्ड सिंस आई ब्लैंक स्पेस फॉर दिल्ली। सिंस के बाद वाले सेंटेंस में ब्लैंक स्पेस दिया गया है तो हमें अभी डिस्कस किया था कि अगर सिंस के पहले सेंटेंस में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो आगे वाले सेंटेंस में क्या आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। चार ऑप्शन देखिए, उनमें जो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन आपको दिया गया लिव, दूसरा ऑप्शन दिया गया लिव्स, तीसरा ऑप्शन दिया गया आपको लेफ्ट और चौथा ऑप्शन दिया गया मान लीजिए हैड लेफ्ट। तो रूल याद रखिए और इसे अप्लाई कीजिए, सिंस से पहले क्या है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आगे क्या आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, लिव वो जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट तो आंसर क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट। अगर प्रश्न दूसरे तरीके से होता, सिंस के बाद वर्ब होती और सिंस के पहले आपसे वर्ब पूछी जाती तो आपको क्या याद रखना है कि सिंस के पहले हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे क्वेश्चन ऐसे होता ही ब्लैंक स्पेस हिज फी सिंस यू वेंट आउट। अब सिंस के बाद जो सेंटेंस है उसमें वर्ब गो की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो कंफर्म हो गया कि पहले वाले सेंटेंस में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। अब चार ऑप्शन देखिए क्या दिए हुए हैं, जैसे एक ऑप्शन दिया गया हैव पेड, बी ऑप्शन जैसे मान लीजिए आपको दिया हैज पेड, सी ऑप्शन दिया गया हैड पेड और डी ऑप्शन आपको दिया गया हैज बीन पेड।
तो आसानी से आंसर टिक हो जाएगा। अगर सेकंड सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पहले वाले सेंटेंस में आप हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। सब्जेक्ट ही है जो सिंगुलर है तो हैज आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन है? पेड। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। यहां तक क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट रूल या नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जिससे कि हम सीक्वेंस ऑफ टेंस टॉपिक जो है उसको अच्छे से पढ़ सकें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाएं, ब्लैंक स्पेस दिया जाए और वर्ब पूछी जाए तो इन रूल्स को अप्लाई करते हुए हम आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकें। नेक्स्ट पॉइंट है 5 कि सेंटेंस में एक वर्ड दिया हुआ है बिफोर। दो सेंटेंस हैं और उनके बीच में बिफोर वर्ड है। जैसे हमने लिखा सेंटेंस ए, फिर प्लस बिफोर, फिर इसके बाद में हमने लिखा सेंटेंस बी। सामान्यतः बिफोर से पहले जो सेंटेंस आएगा इस सेंटेंस में दोस्तों हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और जो सेंटेंस बी है इसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। अब प्रश्न, यदि मान लीजिए बिफोर से पहले वाले सेंटेंस में वर्ब ब्लैंक है तो आपको याद रखना है कि बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर बाद वाले में क्वेश्चन पूछा गया है और पहले वाले में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो आपको बाद वाले में क्या लगा देना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना है। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए पहले सेंटेंस में पूछा जाता है और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो याद रखिएगा कि अगर बिफोर के बाद वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो आपको जो पहले वाला सेंटेंस है उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। जैसे क्वेश्चन ऐसे दिया गया, ही ब्लैंक स्पेस द पुलिस बिफोर द थीफ रैन अवे। ऑप्शन पढ़े उससे पहले ध्यान दीजिए कि बिफोर के बाद जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें रैन वर्ड दिया हुआ है जो रन की क्या है? सेकेंड फॉर्म है। तो रूल जैसे अभी डिस्कस किया कि अगर बिफोर के बाद वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो पहले वाले सेंटेंस में क्या आएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चार ऑप्शन में जो भी दिया हुआ हो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, आप उसे अपना आंसर क्लिक कर दीजिए। जैसे आपको आंसर एक दिया गया हैव इन्फॉर्म्ड, बी आंसर दिया गया जैसे हैज इन्फॉर्म्ड, सी आपको दिया गया हैड इन्फॉर्म्ड, डी दिया गया विल हैव इन्फॉर्म्ड। फिर से देखिए, बिफोर के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो पहला जो सेंटेंस आ रहा है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो सी ऑप्शन जो है उसमें हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो सी आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन सेकंड सेंटेंस में होता, जैसे क्वेश्चन होता ही हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस बिफोर ही हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस बिफोर ही ब्लैंक स्पेस आउट। अब जैसे ऑप्शन ए दिया गया गो, दूसरा दिया गया गोज, तीसरा दिया गया गोन और चौथा दिया गया वेंट, तो बिफोर के बाद वाले सेंटेंस में क्वेश्चन है, पहले वाले में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हम क्या लगा देंगे? यहां पे हम वेंट वर्ड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी। यहां तक कंप्लीट? इसके बाद में नेक्स्ट रूल देखिए, डेट पहला से पहले डेट बजे तक, दूसरा स्टेप
तीन बजे तक फिर 4:30-5 बजे तक फिर रात के 2:11 बजे देखने के बाद फिर उनका अपना घरों का हो गया। वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करनीय है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगा ली। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन आरएस प्रॉपर। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक शानदार तालियां लोडिंग के लिए करना चाहिए। पूरे कपड़ा उस पानी में डालना जबरदस्त उसका सांस घुटने लगा वो ऊपर उठना चाह रहा था गुरु ने वो जोर से दबा दिया उसने पूरा जोर लगा दिया और जब 1-2 मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा गुरुजी ये आपने क्या किया मैं तो क्या पूछ रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था जब एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा दूं किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो वो फीलिंग वो एफर्ट वो आप उसमें लगाओगे वो शिद्दत है और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे आप क्यों नहीं लक्ष्य आपसे। विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है ये आप सबके भी आप पे मैं ले रहा हूँ आपके लिए।